नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। एक 80 वर्ष वृद्ध मरीज को अस्पताल के बेड से बुरी तरह से बांध दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि वह अस्पताल का बिल जमा नहीं कर पाए हैं। मध्य प्रदेश के साजापुर में मानवता को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां एक 80 वर्ष वृद्ध बुजुर्ग मरीज को अस्पताल के बिस्तर से बांध दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि वह अस्पताल का बिल जमा करने में असमर्थ रहे। यह खबर जानने के बाद लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है। लोग आक्रोश जता रहे हैं, शिवराज सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। शाजनपुर के एक निजी अस्पताल से सामने आया है कि एक वृद्ध मरीज के पास अस्पताल में जमा कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें बिस्तर से ही बांध दिया है। यह मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की है। वृद्ध ने बताया है कि मेरी अस्पताल से छुट्टी हो गई है, लेकिन मेरे परिजनों ने अस्पताल की फीस जमा नहीं की है, जिसकी वजह से अस्पताल के कर्मचारियों ने मुझे बिस्तर से बांध दिया गया है। राजगढ़ जिले से आए बुजुर्ग शाहजापुर के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे। बुजुर्ग की बेटी का आरोप है कि अस्पताल में उनसे 2 बार पैसे जमा कराए, जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने घर जाने की बात की, लेकिन इसी पर अस्पताल कर्मियों ने उनसे बकाया राशि वसूलने के बदले उनके पिता वृद्ध को बेड से ही बांध दिया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर वरुण बजाज का कहना है कि उस बुजुर्ग को दिमागी बुखार है। अस्पताल के मालिक का कहना है कि वह वृद्ध को जब बोतल चढ़ाते थे तो वह झटपटाते थे, इसी के डर से कि सुई ना टूट जाए उन्होंने उन्हें बेड से बांध दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।